भक्तजनों, वो हस्तरेखा माँ लक्ष्मी की थी और उस हस्तरेखा को देखकर नारद जी इतने विस्मित हुए, उन्होंने कहा कि अरे इस कन्या से जो विवाह करेगा वो तो तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। वहां पे वो चुपचाप बैठे, तब तक राजा ने पूछा कि महाराज हमारी कन्या, बोले कि राजन आपकी कन्या तो बड़ी ही सुलक्षणा है, अच्छा हम चलते हैं, मुझे जरूरी अनुष्ठान करना है। देवर्षि नारद वहां से निकलते हैं और मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि जिसको कन्या वर मानेगी वह अजर अमर हो जाएगा, उस वर को सुर नर नागेश्वर रण में न जीतने पाएगा, सुर रहे सकल उसके ही बस, वही त्रिभुवन का पति होगा और सब लोग चराचर उसको ही सेवेंगे, वह रणपति होगा। नारद जी विचार करते हैं कि इस कन्या से जो विवाह कर लेगा वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा, तो क्यों मैं ही इस कन्या से विवाह क्यों ना कर लूं, बड़ा अच्छा मौका है। अब तक तो मैं सारे लोकों में नारायण नारायण करते फिर रहा था, लेकिन अब नहीं किया जाता, अब तो मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं भी अपना विवाह कर लूं और तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं। भक्तजनों, देवर्षि नारद के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने विचार किया कि मैं तो मुनि हूं, मैं स्वयंवर में जाऊंगा तो कन्या मुझे नहीं भरेगी, भाई मुनियों के भला स्वयंवर में क्या काम, इसके लिए मुझे सुंदर रूप चाहिए। विचार करते हैं, नारद जी कहते हैं कि होनी चाहिए इस समय सुंदर रूप विशाल, और तब ही देख रीछई कुंवर पहनावे जयमाल। उनके मन में विचार आया कि अरे मेरा शरीर सुंदर हो जाए तो अवश्य वह कन्या मुझे अपने पति के रूप में वरण कर दे। फिर उनके मन में हुआ कि कैसे हो सकता है, हाँ नारद जी को याद आया कि हाँ खूब याद आ गया मुझे, भगवान से चल कर याचू मैं, मेरे हितकारी वे ही हैं, उनसे सुंदरता मांगू मैं, है परम सहायक परमेश्वर निश्चय पुरवेंगे आस मेरी, और जाते तो बहुत विलंब लगे वे यहीं सुनेंगे बिना मेरी। नारद जी ने विचार किया कि क्षीर सागर जाने में तो समय लगेगा, मैं यहीं सुनकर स्मरण करता हूं, वो यहीं मेरी सहायता करेंगे। कहते हैं नारद जी कि हम हैं सेवक आप हैं स्वामी, कृपा करो हे अंतर्यामी, पार कर हमारी नवरिया, हमरो लैला खबरिया। भगवान का स्मरण करते हैं और प्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं देवर्षि नारद बताइए क्या इच्छा है, आप हमसे क्या चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु कि हे नाथ जो आप सहाय करें तो मिले मुझे सुकुमारी वह, हे प्रभु जो आप सहाय करें तो मिले मुझे सुकुमारी वह, यदि रूप अपना दे भगवन तो बरे मुझे हितकारी वह। नारद जी कहते हैं प्रभु यदि आप मेरी सहायता कर दें तो मेरा सब काम बन जाएगा। बोले क्या नारद, नारद जी ने कहा कि जही विधि नाथ होई हित
मोरा हो कर हूँ सोबेगी दास मैं तोरा। नारद जी कहते हैं प्रभु जिस प्रकार से भी मेरा कल्याण हो बस आप वही उपाय करें। भगवान कहते हैं कि ये मस्तु नारद ये मस्तु तथास्तु तुम्हारा कल्याण। नारद जी वहां से प्रसन्न चित्त निकलते हैं और स्वयंवर में पहुंचते हैं और इसी बीच महादेव देवों के देव महादेव भगवान शिव अपनी दृष्टि से सब देख रहे हैं। वो अपने गणों को भेजते हैं कि हे गण तुम नारद के साथ रहना और उचित समय पर उनका मार्गदर्शन करना। नारद जी स्वयंवर में जाते हैं वहां तमाम देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए हैं। नारद जी चाहते हैं कि वो कन्या मुझे देखे और शरीर तो उनका बहुत सुंदर था लेकिन उनका मुंह बंदर का था क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा था है प्रभु जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वही उपाय कीजिए। उसी नारायण ने वही उपाय किया था शरीर अपना दे दिया था और मुंह बंदर का दे दिया था। नारद जी वहां उस कन्या के समक्ष बार बार आते कि जयमाल मेरे गले में आ जाए लेकिन वो कन्या वहां से मुड़ जाती थी। नारद जी को जयमाल नहीं पहनाती थी। वहां पे जो शिवगण थे उन्होंने देवर्षि कहकर नारद जी को प्रणाम किया। उन्हें पता है कि देवर्षि नारद सारे लोग देख रहे हैं कि देवर्षि नारद सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी और खुश हो रहे हैं कि मेरी सुंदरता के लोग कायल हैं लेकिन सबको पता है कि नारद है क्यों नारद जी को दिख रहा था कि वो विष्णु के रूप में है। इसके बाद अचानक भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और विश्वमोहिनी उनके गले में माला डाल देती है और वहां से लेकर चले जाता है। नारद जी के मन में बड़ा रोष होता है ऐसा कैसे मेरा विष्णु का रूप और इस कन्या ने मेरा वरण क्यों नहीं किया। और इसी उपापोह में होते हैं तब तक शिव के गण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि देवर्षि बोला मैं देवर्षि बोला हाँ आप देवर्षि हैं आप विष्णु के रूप में नहीं आपको विष्णु का रूप लग रहा है आप विष्णु के रूप में नहीं आप देवर्षि हैं और आपका मुंह तो बंदर का है देखिए जरा। जब नारद जी ने जलाशय में अपने चेहरे को देखा बंदर का रूप कुपित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु जग में तूने मेरी हंसी कराई है या तो मैं तुझे श्राप दूंगा या स्वयं वरुण जा रही है। और वहां से निकलते हैं तब तक सामने नारायण श्री हरि विद्यमान न वहां राजकुमारी है और न ही लक्ष्मी है। नारद जी क्रोध में भगवान विष्णु के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि बस सावधान हो जाओ तुम पर संपत्ति देख न सकते हो हर समय आप अपने मन में छल कपट दंभ ही रखते हो जब मथाया अपने क्षीर सिंधु तो किया बावला शंकर को बुलवा करके देवताओं द्वारा बिस्पिला दिया गंगाधर को असुराओं का असुरा संघ का विष और आप चार कौस्तुभ मणि सबके स्वार्थ साधक वश सब गुणवंती लक्ष्मी को ले त्योहार तुम्हारा कपट भरा भरी ये चाल तेरी हो स्वतंत्र सिर पे कोई नहीं रखते हो मन में आसे अब के अच्छे घर न्योता दे भोले ब्राह्मण को बुलवाया है पाओगे पाओगे करनी का फल जैसा करके दिखलाया है जो वेश धार के राजा की तूने यह कपट दुराव किया बस बस उसी वेश में
ठहरो, यह सत्य है मेरा श्राप दिया। कपिका सा मेरा बदन किया, ये ही कपि कटक सहायक हो, और तू नारी विरह में स्त्री के बन बन बिचरह नर नायक है। ऐ विष्णु, तूने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया है, घोर अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद के श्राप को अंगीकार कर लेते हैं। कहते हैं, देवर्षि, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। और अपनी गदा देवर्षि के ऊपर घुमाते हैं। देवर्षि की सारी माया खत्म हो जाती है, छीण हो जाती है। देवर्षि होश में आते हैं, कहते हैं, प्रभु ये क्या हो गया, मैंने आपको इतने दुर्वचन क्यों कहे, कारण क्या है? बोले, देवर्षि, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब मेरी लीला है, ये सारी लीला मैं ही कर रहा था। मुझे आपकी वाणी से अवतार लेना था, इसलिए मैंने ये सारा प्रपंच रचा। आप हमारे परम भक्त हो, हम आपका सदैव कल्याण ही करना चाहते हैं। भक्तजनों, देवर्षि नारद बहुत ही व्यथित हुए और भगवान से कहे कि हमने आपको इस तरह से इतने दुर्वचन कहे हैं, बहुत बड़े पाप हो गए हमसे, इस पाप का निराकरण कैसे होगा? श्री नारायण ने कहा है कि हे देवर्षि, आप शिव जी के सहस्त्र नामों का जाप कीजिए, शिव जी प्रसन्न होंगे तो मैं भी प्रसन्न होऊंगा। जाओ, आपका कल्याण। देवर्षि नारद उन्मुक्त होने के बाद बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में श्री नारायण का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्री नारायण का नाम का स्मरण करते हुए, उसका गान करते हुए देवर्षि नारद देवलोक की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। भक्तजनों, आपको ये अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय श्री राम।